बस वो थोड़ा बिजी हो गया था। मॉम कहाँ पर है? उनकी गाड़ी नहीं खड़ी हुई बाहर? वो साबिर अंकल की तरफ नहीं है। साबिर अंकल की तरफ? खैरियत? नहीं, खैरियत ही तो नहीं है, शरिया ने रिश्ते से इनकार कर दिए। व्हाट? वो तो पहले ही शादी करने के लिए एग्री नहीं था। ये क्या बात हुई है? अगले हफ्ते शादी है और अब उन्होंने इनकार कर दिया? मॉम को मुझे कॉल कर देनी चाहिए थी, मैं उनके साथ चला जाता। भाई एक बात तो बताएं, शेरी ने कभी आपसे कोई बात की? मेरा मतलब है कभी उसने बताया कि वो मॉम, ये साबिर अंकल तो अपने दोस्तों की बहुत तारीफ करते थे, बड़ा फेथ था उन्हें उनपे, ये तो बड़े घटिया लोग निकले हैं। मॉम, अंकल ने क्या कहा? उन लोगों की बात हुई अंकल के साथ? बेटा अब लाख बात कर लें तो क्या फायदा। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है ना मॉम, बात तो करनी चाहिए ना, इस तरह किसी को रिजेक्ट कर देना कहाँ का इंसाफ है। अब वो इतनी अच्छी लड़की है बेचारी, पता नहीं उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि क्या गुजरी होगी उसके दिल पर? ये जानने के लिए कि किसी के दिल पर क्या गुजरती है, खुद के पास भी एक हसास दिल का होना जरूरी है अदन, जो ना ही तुम्हारे पास है और ना ही उन लोगों के पास। क्या क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि शीरिन के दिल के हाल से तुम भी बेखबर ही हो। एनीवेज तुम लोग खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। व्हाट्स रॉन्ग विद हर? नाराज है मुझसे? नहीं, मुझे लगता है कि वो शीरिन की वजह से कुछ परेशान है। लेकिन इन्होंने ये क्यों कहा है कि मैं शीरिन के दिल के हाल से बेखबर हूँ? शहरयार की बहनों ने शीरिन के पास आपकी तस्वीर देखी। मेरी तस्वीर? लेकिन ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि जिस पर रिश्ता खत्म कर दिया जाए। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि शीरी ने कभी आपसे ये कहा कि वो आपको पसंद करती है? क्या हो गया नाजिया तुम्हें? ऐसी तो कभी कोई बात नहीं हुई। तो क्यों थी उसके पास आपकी तस्वीर? क्या बेतुकी बातें कर रही हो तुम? तस्वीर का होना क्या इतनी बड़ी बात है? जी, मुझे तो...